आज के समय में कोई अनपढ़ नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है कि लोगों को कम पढ़ाई करने से जल्दी जॉब नहीं मिल पाती और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि बीटेक करने के बाद एमटेक करने का सोचते हैं, क्योंकि लोगों की चाहत होती है एक अच्छी ज़िंदगी बिताने की, तो हर कोई ज़्यादा पढ़ाई करने का सोचता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एमटेक कोर्स क्या है, पूरी जानकारी, एमटेक कोर्स कैसे करें, एमटेक कोर्स कितने साल का होता है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ डिटेल्स में आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राज सपोर्ट चैनल में। एमटेक कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद टेक्नोलॉजी में मास्टर बना जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, यानी कि एमटेक कोर्स करने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एमटेक कोर्स क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि ये कोर्स कितने साल का होता है और इसे कैसे करें, क्या पढ़ाया जाता है और 12th के बाद एमटेक कैसे करें। तो एमटेक कोर्स क्या है? एमटेक, जिसका फुल फॉर्म मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी में मास्टर बनने के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि इसमें आप कंप्यूटर में मास्टर बन सकते हैं या फिर आप मैकेनिकल में मास्टर बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है जिस फील्ड से आपने मास्टर डिग्री की है। ये कोर्स तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे देश में, इससे कई तकनीक की खोज भी होती है। एमटेक कोर्स पूरे 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को आप तभी कर सकते हैं जब आपने बीटेक कोर्स किया हो या फिर बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हो, तभी आप एमटेक कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं एमटेक करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एमटेक कोर्स करने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन पूरा करें। बीसीए, बीएससी, बीई या फिर बीटेक और भी बहुत से कोर्स हैं। किसी भी कोर्स से ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। कुछ कॉलेज इसमें 55% भी हो सकते हैं, ये सब कॉलेजेस पर डिपेंड करता है। 12th के बाद डायरेक्ट एमटेक कोर्स नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एमटेक कोर्स करने के फ़ायदे। तो एमटेक कोर्स करने के बाद तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर हम आपको टॉप फायदे बताएंगे जिससे आपको एक अंदाज़ा लग सके और आपको एमटेक कोर्स करने में मज़ा भी आए। दरअसल कोई कोर्स ख़राब नहीं होता, बस आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो चलो अब जानते हैं कि एमटेक कोर्स के फ़ायदे क्या है। एमटेक कोर्स करने के बाद आप अच्छे जानकार हो जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की फील्ड में या फिर जिस फील्ड से आपने एमटेक कोर्स किया हो। एमटेक कोर्स करने पर आप किसी भी बड़े कंपनी में मास्टर के रूप में जॉब कर सकते हैं, जैसे कि उच्च पद पर काम करने को आपको मौका दिया जाता है। एमटेक कोर्स करने के बाद आप खुद की कंपनी भी बना सकते हैं। एमटेक कोर्स करने के बाद आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं और कॉलेज में प्रोफेसर बन के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। और भी कई फायदे और बेनिफिट एमटेक कोर्स करने में शामिल हैं। अब बात करते हैं एमटेक कोर्स कैसे करें। तो नंबर 1, 12वीं पास करें। एमटेक कोर्स के लिए अगर आपको वेब डेवलपर में मास्टर बनना है या फिर जिस फील्ड में एमटेक कोर्स करना चाहते हो, यानी कि पूरा एक्सपर्ट जिस फील्ड से आपने एमटेक कोर्स किया हो उसमें बनना चाहते हैं, अगर आपको मास्टर बनना है तो सबसे पहले 12वीं पास करनी होगी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, 12वीं किस सब्जेक्ट में पास करें ताकि एमटेक कोर्स कर सके। 12th आप साइंस से कर सकते हैं, ये बेहतर है। आगे की पढ़ाई के लिए वैसे आप दूसरे सब्जेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा आप साइंस से 12th पास करें। नंबर 2, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें। एमटेक कोर्स करने के लिए आपको 12th पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में करें जिसमें आप एमटेक कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए कंप्यूटर फील्ड में आपको जाना है तो आप कंप्यूटर फील्ड से अपना ग्रेजुएशन पूरा करिए, जैसे बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर बीटेक कोर्स को करने के बाद एमटेक कोर्स करते हैं, इसके बाद जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, इसके बाद आप एमटेक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई कर दें। नंबर 3, एमटेक कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें। अब आपको ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एमटेक कोर्स करने के लिए या फिर आप चाहे तो प्राइवेट कॉलेज में
भी एमटेक कोर्स कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको पैसा ज़्यादा देना होगा। पर अगर आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और उसे क्लियर करें। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, इसके बाद आप अपने नंबरों के आधार पर आपको कॉलेज दिया जाता है तो आपको उसमें एडमिशन लेना होगा, तो आप एडमिशन लें। नंबर 4, एमटेक कोर्स की पढ़ाई पूरी करें। एमटेक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको एमटेक कोर्स की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जो पूरे 2 साल का कोर्स होता है। तो आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ना होगा, तभी आपको आगे जाकर एक अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, जिससे आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी और आप एक बेहतर सैलरी पा सकेंगे। यहाँ पर आपको थियोरी और प्रैक्टिकल कराया जाता है। हर सेमिस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिया जाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा और पास होना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए होंगे, क्योंकि हमने सारा कुछ बताया है। लेकिन फिर भी कुछ बाकी हो तो या आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।